श्री आनंदपुर साहिब मेला सज गया वै, होला महला चलन दिया वै, गुरु के लंगर चलन दे है। लेकिन ये क्यों चलते है? सिखां दे विच एडा ज़्यादा जज्बा, एडी लखां दी तादाद विच सिख उत्थे क्यों पहुँचते है होले महल्ले दे विच, इहदी वजह की है? अज आपां कुछ हिस्ट्रीकल वीडियो देखांगे, नाले आपां देखांगे कि उत्थे नाल नाल चलदा की है, लंगर किस तरह चलते है, संगतां किदां पहुँचदियां वै, ते किस तरह मनाया जांदा वै, फिर आप गल करांगे। व्हाट्सएप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक से मेरे पेज को लाइक करो, व्हाट्सएप से मैं मजीद इदा दी वीडियो सेंड करो। सो वीडियो स्टार्ट करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम आपको सिखों के खास त्योहार होला मोहल्ला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा नेशनल फेस्टिवल के रूप में मान्यता प्राप्त है। कई लोग होली और होला मोहल्ला को एक ही त्योहार समझते हैं, जबकि ये दोनों त्योहार अलग अलग हैं। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, जबकि होला मोहल्ला में सिख लोग नकली युद्ध लड़कर अपने मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए मिलकर जाने कि होला मोहल्ला क्यों मनाया जाता है और पंजाब में यह त्योहार इतना प्रसिद्ध क्यों है। कहा जाता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करने से पहले मुगल शासक बेकसूर लोगों पर बहुत अत्याचार किया करते थे और जबरदस्ती उन्हें मुस्लिम बनाया करते। इसलिए उनकी मनमानी रोकने और उनसे मुकाबला करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को शक्तिशाली बनाने के लिए 1701 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में नकली युद्ध करवाने शुरू किए। गुरु जी सिखों के दो दल बनाकर एक खास स्थान पर एक दल से दूसरे दल पर हमला करवाते, जिसमें दो घुड़सवार शस्त्रों के साथ एक दूसरे पर हमला करते। जो दल जीत जाता उसे गुरु जी द्वारा सम्मान के रूप में सरोपे भेंट किए जाते। इस प्रकार गुरु जी ने लोगों को शक्तिशाली बनाया। अब हम जानेंगे कि होला मोहल्ला पंजाब में कैसे मनाया जाता है। वैसे तो होला मोहल्ला 3 दिन का त्योहार है, पर इस उत्सव की तैयारियां पंजाब में हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं। पंजाब के गुरुद्वारे खास तौर से श्री आनंदपुर साहिब और किरतपुर साहिब में मार्च के महीने में होला मोहल्ला का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव में यहाँ के स्थानीय लोग दूर दूर से आने वाली संगतों के लिए लंगर का प्रबंध करते हैं। आटा, दाल, चावल, सब्जियां और दूध जैसी कच्ची सामग्री उपलब्ध कराते हैं। दूर दूर के राज्यों से आई संगतों को एक साथ बिठाकर पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। यह त्योहार पंजाब में ही सीमित न रहकर बल्कि देश विदेश के गुरुद्वारों में भी बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है। अब हम जानेंगे होला मोहल्ला से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। होला मोहल्ला के अवसर पर आनंदपुर साहिब नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस समय सही मायने में यह शहर आनंद का शहर बन जाता है। उत्सव के दौरान छोटे छोटे बच्चे और सिख युवक गतका चलाते, तीरंदाजी तथा कई तरह के करतब करते नजर आते हैं। गुरुद्वारों में गुरु गोबिंद सिंह जी के शस्त्रों का प्रदर्शन भी किया जाता है। दीवान सजाए जाते हैं, शब्द कीर्तन और अखंड पाठ करवाए जाते हैं। लोग विभिन्न राज्यों से ट्रकों व ट्रॉलियों में आनंदपुर साहिब और किरतपुर में पहुंचते हैं। सभी संतों के रहने का यहाँ बड़े अच्छे से प्रबंध किया जाता है। उत्सव के तीसरे दिन गुरु जी के 5 प्यारे श्री आनंदपुर साहिब के ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री केसगढ़ साहिब से चलकर किला आनंदगढ़, किला लोहगढ़ और माता जीतो जी के गुरुद्वारे में पहुंचते हैं और वहां के दर्शन करने के बाद वापस श्री केसगढ़ साहिब में आ जाते हैं। जिन रास्तों से गुरु जी के ये 5 प्यारे जुलूस के साथ निकलते हैं, वहां कुछ कुछ दूरी पर संगतों द्वारा लंगर का आयोजन किया जाता है। यह नजारा देखकर हर कोई बहुत प्रभावित होता है कि सिखों के मन में अपने गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा और प्रेम भाव है। अगर आपको कभी मौका मिले तो
तो होला मोहल्ला के उत्सव पर श्री आनंदपुर साहिब और कीरतपुर साहिब जरूर जाएं, क्योंकि इतना भव्य महोत्सव शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। होला महला श्री आनंदपुर साहिब सजिया वै, लखां दे हिसाब दे नाल संगतां उत्थे पहुंचन दियां वै, लंगर लगन दे है, ते बड़ा सिखां दे विच एक बड़ा ज़्यादा जोश, एक बड़ा ज़्यादा जज्बा वै। इस वीडियो दे विच आपां देखन दे सी कि जिद्दां इस वीडियो दे विच कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने होला महला क्यों शुरू करवाया वै। वी देखो, एक दिन पहले हुंदी अज दे दिन है होली, कल होएगा होला महला। अज दे दिन होली दे विच की हुंदा वै? होली दे विच बेहयाई हुंदी है, पुट्टे काम हुंदे है, रंग सुट्टदे है, ना तमीज़ है कि बुढ़ी दी, ना तमीज़ बंदे दी, मतलब कि इंसानियत दा फर्क नहीं गा हुंदा। तो जे आपां गल करिए होले महल्ले दी, ये गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस वास्ते लोगों नूं दिखाया वै कि होला महल्ले विच आओ, जोश जज्बे दे नाल आओ, ताकि पता चले कि जुल्म दे खिलाफ जिहाद किस तरह करना वै, जुल्म दे खिलाफ तुसी लड़ना किदा वै। इस वास्ते होला महला मनाया जांदा वै। ते सिखां दे विच इस चीज़ नूं लै के, जुल्म दे खिलाफ लड़न वास्ते यही चीज़ नूं लै के, एक अंदरों एक जोश, एक जज्बे दे नाल होले महल्ले दे विच जा के शरीक हुंदे है। ते फिर जगह जगह दे उत्ते लंगर लगदे है, फिर ऐसे ऐसे लंगर होंदे है, बल्कि मैं एक मैं वीडियो में देखन दिया सीगा कि ऐसा ऐसा लंगर होंदा वै कि पूरी दुनिया दे विच इदां दा लंगर किते पासे लगदा ही नहीं है। वैसे मैं तुहानू एक गल, मैं तुहानू सच्ची गल दसां, इदां दीआं चीज़ां देख के, ऐसा जोश, ऐसा जज्बा देख के, सिखां दा एडा ज़्यादा इकट्ठ वेख के, मतलब कि ऐसा ऐसा लंगर देख के, एडियां एडियां खुशियां देख के, मेरा तो अपना खुद मुसलमान का इन्ना ज़्यादा दिल करता वै कि यार पता नहीं किहड़ा वक्त आएगा, किहड़ा दिन आएगा कि जिद्दन मैं भी होले महल्ले दे विच जा के शामिल होवांगा, मैं भी देखांगा कि यार ये सिख लोग जिहड़े है ये किस तरह होला महला ये किदा एडे जोश, किदा ऐस एडे जज्बे दे नाल मनाउंदे है। इहो ही एक चीज़ है, इहो ही जोश, इहो ही जज्बा, इहो ही एक चीज़ है जिहड़ी सिखां दे विच, जिथे लंगर की जरूरत पवे उत्थे सिख जिहड़े आ वध चढ़ के अगे हो के लंगर लाउंदे है। मेरा भी ख्याल यही है कि इहो ही जोश, इहो ही जज्बा हर एक बंदे दे विच इहो ही होना चाहिए वै, इहो ही चीज़, इहो ही जोश, इहो ही जज्बा आएगा तो हर पासे अमन, सुकून, शांति होएगी। बाकी वीडियो तो बड़ी ही ज़्यादा इंट्रस्टिंग सी, एक एक चीज़ नूं एक्सप्लेन किया वै कि होला महला शुरू किस तरह होंदा वै, तो किस तरह हो के, तो किदा किदा लगता वै, तो लोगों के विच किड्डा ज़्यादा जज्बा होंदा वै। तो बाकी यार बस कदों दिन आएगा, आपां भी आवांगे होला महला जाके देखांगे, दर्शन ददारे श्री आनंदपुर साहिब जावांगे, दर्शन ददारे करांगे। बस जो मैं अपनी मुसलमानी की नज़र में जो मैं समझना सी मैं तुहानू दस दिता, बाकी तुहाडा ही ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थल्ले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो। इस आई दी वीडियो मिलेंगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते, इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।